हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्री चार्ज एक ऐप है, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे आप फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, इसी प्रकार से फ्री चार्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री चार्ज में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, अगर सोना या गोल्ड खरीदना चाहते हैं उसको खरीद के बेच भी सकते हैं। इसमें बहुत कैशबैक भी, अगर रिचार्ज किसी के मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो कैशबैक भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे फ्री चार्ज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर अकाउंट लिंक करना है, KYC अपडेट करना है, अपनी UPI ID देखना है, तो पूरी सारा इसमें हमने डाउट क्लियर कर दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगर कोई भी वीडियो बनाए तो उसका जो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं प्ले स्टोर, जैसे आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्री चार्ज। यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्री चार्ज जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रेटिंग और रिव्यू की पहले बात करेंगे हम। यहाँ पे 4.0 की रेटिंग है, यहाँ पे 1 करोड़ प्लस डाउनलोड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब 1 करोड़ डाउनलोड है तो कुछ तो खास फीचर है इसमें जो इतना डाउनलोड मिला। तो आपको सिंपल से यहाँ पे ओपन कर लेना हो। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फ्री चार्ज का लोगो है। अब यहाँ मांगेगा फोन परमिशन, SMS परमिशन, तो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, अब आपको अलाउ कर लेना है, फिर से अलाउ कर लेना। अलाउ कर लेंगे तो परमिशन है, कुछ परमिशंस होती हैं उनको अलाउ करना पड़ता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपका ये फ्री चार्ज, यहाँ पे करते हैं। अब देखेंगे इंटर योर मोबाइल नंबर, अब जो मोबाइल नंबर से आप चलाना चाहते हैं वो ध्यान रहे कि वो बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब इसे हमारा ये मोबाइल नंबर बैंक में लिख, हमने ये मोबाइल नंबर इसमें डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आपसे एक OTP आएगा, ऑटोमेटिक फीड हो गया। यहाँ देखिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डिसमिस कर देना है आपको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक बैलेंस, अगर आपको चेक बैलेंस करना है, अगर बैलेंस अपना चेक करना है तो चेक बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं चेक बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सिंपल से चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे, अपना UPI पिन डालेंगे आप यहाँ पे, उसके बाद ओके करेंगे, ये आपका यहाँ पे बैलेंस दिखाएगा। देखिए देख सकते हैं हमारे में इतना बैलेंस है, ये आपको हमने दिखाएगा। अगर आपके बैंक ऐड नहीं है तो बैंक ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका किस बैंक में अकाउंट है वो बैंक आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे हमारा यहाँ पे कैनरा बैंक में था तो हमने कैनरा बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक, कैनरा बैंक सेलेक्ट कर लेना आपको। उसके बाद यहाँ पे ये अकाउंट लिंक है, जैसे आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे वैसे आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको UPI पिन बना लेना है, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक, आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं म्यूचुअल फंड रेंट पेमेंट, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो इसी ऐप के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर रेंट जो पेमेंट है उसको पे नाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पे नाउ करके 500 का कैशबैक आप यहां पे ले सकते हैं, रेंट पेमेंट कर। पर्सनल लोन, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप यहां से आसानी से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। फाइनेंशियल यहां पे देख सकते हैं, गोल्ड अगर बाई करना चाहते हैं, जैसे गोल्ड हमें बाई करना तो हमें गोल्ड पे क्लिक करना होगा। यहां पे देख सकते हैं कुछ इसकी कंडीशन होगी, वो आपको यहां पे पढ़ लेना होगा। गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना। जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आप यहां देख सकते हैं बाई आ गया। अब कितना सोना आप यहां पे लेना चाहते हैं, मिनिमम 100 रुपये ले सकते हैं, ग्राम यहां पे देख सकते हैं, अपना बाई नाउ पे क्लिक करके आप अपना बाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां से सेल भी कर सकते हैं, जैसे जितना बाई करें उसी हिसाब से सेल भी करना होगा। गोल्ड हो गया, अचीव गोल्स, अपना यहां पे क्रिएट एक गोल बना सकते हैं, आपको क्या कितना क्या गोल है आप अपना गोल भी यहां से बना सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ देखेंगे स्कैन एंड पे का ऑप्शन आ गया। जैसे आप स्कैन एंड पे पे क्लिक करेंगे तो कोई बार कोड आप यहाँ से स्कैन करें, से अलाउ करेंगे, एनेबल कैमरा करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी बार कोड स्कैन करके आप पेमेंट आसानी से किसी को भी कर सकते हैं। अगर UPI सेंड मनी, अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे UPI सेंड मनी, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसकी UPI ID आपको यहाँ पे फीड करनी होगी, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर अकाउंट में उसके भेजना चाहते हैं तो आप अकाउंट प्लस IFC यहाँ पे देखेंगे, अब आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, IFC कोड डालना होगा और बेनिफिशरी नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर लें, जैसे आप कंफर्म करेंगे आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा, उसके बाद उसको पेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं।
उसके बाद देखेंगे ऐड मनी, यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आएगा। सिंपल से ऐड मनी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ऐड मनी पे क्लिक, कितना ऐड करना चाहते हैं, जैसे जितना भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमें 10 रुपया ऐड करना तो 10 रुपया यहाँ पे डालेंगे। हम अभी डेमो के लिए दिखाते हैं, 1 रुपया 10 रुपया ऐड करके यहाँ पे ऐड मनी टू रिचार्ज फ्री चार्ज यहाँ पे देख सकते हैं। ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे आपको क्या करना, इंटर कार्ड नंबर डालना, अपने कार्ड की डिटेल डालना, CVV नंबर डालना, उसके बाद प्रोसीड टू पे 10 पे क्लिक करेंगे। आपका जो वैलेट में पैसा, जितना पैसा ऐड करना चाहते हो उतना पैसा वैलेट में ऐड हो जाएगा। बैक करते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे न्यू पेमेंट, नीचे आएंगे न्यू पेमेंट, DTH, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, कैशबैक स्टोर, फास्टैग, लोन पेमेंट, बुक ए सिलेंडर। यहाँ से आप पेमेंट करके देख सकते हैं, कैशबैक स्टोर पर 10% का ऑफ मिल रहा है। विन अप टू 10 मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, 10 रुपया जीत सकते हैं। DTH में 1000 रुपया, और डील्स यहाँ पे देख सकते हैं, डील्स में आप 100% विद विन कैशबैक, कैश बुक करते तो विन कैशबैक आप यहाँ पे जीत सकते हैं। इंश्योरेंस कर सकते हैं यहाँ पे, गिफ्ट कार्ड, डाटा कार्ड, वाटर का भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे चलते हैं, इन्वेस्ट एंड लोन, यहाँ पे म्यूचुअल फंड, गोल्ड, फिक्स डिपोजिट, आप यहाँ पे इन्वेस्ट और गोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑफर चलते रहते हैं, आप यहाँ पे ऑफर देख सकते हैं, ये आपका हो गया है ठीक। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सेकंड, देखेंगे घड़ी वॉच टाइम कुछ बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं, इसके जानते हैं क्या है। ये एक रिमाइंडर है, आप वॉच टाइम बना उसी से आप समझ सकते हैं कि रिमाइंडर का काम करता है ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑफर का ऑप्शन, ये ऑफर है, ये जो परसेंटेज के साथ बना, परसेंटेज के साथ जो बना है आप उसी से समझ सकते हैं ये ऑफर है। यहाँ पे परसेंटेज की छूट चलती है, कितने परसेंट छूट चलेगी, कितने परसेंट छूट चलती है, छूट चलती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डील में इतना परसेंट है, रिचार्ज में इतना परसेंट छूट चल रहा है, UPI पेमेंट करते हैं तो आपको इतना परसेंट छूट मिलेगा, 5%। तो यहाँ पे कैशबैक बहुत कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे एक ये आइकन बना हुआ है प्रोफाइल टाइप का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप देखेंगे टेक्निकल जो प्रोफाइल है, UPI ID आपको आ गई, जो मेल आईडी से रजिस्टर्ड है वो मेल आईडी आपकी आ गई, वेरिफिकेशन पेंडिंग है यहाँ पे, मोबाइल नंबर ये आपका ये आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे आपको वो यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी UPI रिसीव मनी करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देख सकते हैं रिसीव कर सकते हैं यहाँ पे आप, आपको ये बार कोड मिल जाएगा, अगर डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद UVR UPI मेंटेनेंस देख सकते हैं, माई ऑटो पेमेंट, यहाँ पे जो भी आपके ऑटो पेमेंट है वो आप देख सकते हैं, बैंक अकाउंट आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट देख सकते हैं, सेव्ड कार्ड, भीम UPI सेटिंग आप कर सकते हैं, माई डील्स एंड कूपन यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री चार्ज कैशबैक, जो फ्री चार्ज से कैशबैक मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमें कोई भी रिवार्ड नहीं मिला, जैसे आपको रिवार्ड मिलेगा तो आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद KYC डिटेल देख सकते हैं, KYC डिटेल बहुत ही आसान है, इसमें अपडेट करना हमने वेरीफाई कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो आपको क्या करना, KYC डिटेल पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पैन नंबर, आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी ठीक है दोस्तों। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करके हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। SMS प्रेफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग आपको यहाँ पे देखने में मिल जाता है, लैंग्वेज सेटिंग, अपनी भाषा को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पे लैंग्वेज सेटिंग भी कर सकते हैं, अबाउट अस, नियर बाई, आप नियर बाई यहां पे देख सकते हैं, टर्म्स एंड सर्विस आप यहां पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको लॉगआउट करना है यहां से आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे, सिंपल से लॉगआउट हो जाएंगे। अगर उसके बाद आप यहां देखेंगे एक ऑप्शन बच गया है, उसकी बात कर लेते हैं, एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आप यहां पे अपडेट कर सकते हैं पर्सनल डिटेल जो अपनी अपडेट कर सकते हैं। अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटर ओल्ड पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे नया पासवर्ड डाल करके आप अपना पासवर्ड यहाँ से आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। आपने सीख लिया होगा फ्री चार्ज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ, सभी लोगों का रिप्लाई भी देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।